हाय, वेलकम टू इंडिया सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम प्लेसमेंट किस तरह से अपलोड करेंगे, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमने प्लेसमेंट अपडेट की है उसको ट्रैक कैसे करेंगे, मतलब कि कैंडिडेट को ट्रैक कैसे करेंगे। प्लेसमेंट में जाना है हमें पहले की तरह। यहाँ पे हम लास्ट में देख रहे हैं कैंडिडेट ट्रैकिंग, इस पर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च करेंगे। जिस पेज का हमने किया था, प्लेसमेंट अपडेट की थी, हम उस पे जाएंगे, और जिन कैंडिडेट्स की हम प्लेसमेंट अपडेट कर चुके हैं अभी हम उनको ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे हम इस कैंडिडेट्स का देख लेते हैं, मार्च का, देन वेट करेंगे। ये ग्रुप ए में सेलेक्ट हो जाएगा। अलाउंस, ग्रोथ सैलरी, ये हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो सैलरी स्लिप पे मेंशन होनी चाहिए, और नेट पेमेंट आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। सैलरी पे क्लिक करेंगे चेक करने के लिए। देखिए मार्च की सैलरी है, 30 डेज वर्किंग है, एक दिन छुट्टी है। अब इसमें देखते हैं, 30 डेज वर्किंग है, टोटल एम्प्लॉयड डे 31 थे, पेड डे 30 का हमने इसको 30 का कंपनी ने इसको पे किया है। अब बेसिक पे कितना था, 7790, 7790। ओके, अलाउंस सेम है, ग्रोथ सैलरी सेम आ रही है, रिडक्शन कितना है, 329, 329 रिडक्शन है, और 10,900 नेट सैलरी अकाउंट में आ रही है। इसी तरह हम बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, मार्च की है, क्लिक करेंगे, 10,900 26 तारीख को अकाउंट में डाली, इसका मतलब ये सही है। डिसीजन में हम वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, वेरीफाइड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे, यस करेंगे कि कैंडिडेट हमारा वेरीफाई हो चुका है। आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कौशल भारत से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा कुछ भी आप जानना चाहते हैं हमसे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।